सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू ब्रेन मॉडल चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से आपके रेडमी फ़ोन के अंदर नोटिफिकेशन बार पे डाटा इंडिकेटर को किस तरह से लगा सकते हो, जो कि आपको सारी डिटेल देते रहेगा कि आपका नेटवर्क कितनी स्पीड में चल रहा है, कितने KBPS पे चल रहा है, कितने MBPS पे चल रहा है। और ये जो सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ, ये रेडमी फ़ोन के अंदर बताने वाला हूँ, जो कि आप इसे वेरी इजीली सेट कर सकते हो। सो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, आपने इस मेरे चैनल को पहली बार देखा है, तो आपको कर देना है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब। सो अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको आपके फ़ोन की सेटिंग में जाना है, एंड सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपको डिस्प्ले इस सेटिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिल जाएगी कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन सेट। आपको इस ऑप्शन पे इस सेटिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएंगी एक सेटिंग शो कनेक्शन स्पीड। सो अभी यहाँ पे आप फिलहाल तो कनेक्शन स्पीड का जो इंडिकेटर है यहाँ पे नहीं बता रहा है। जैसे अभी मैं इसे ऑन करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप पे मेरा नेटवर्क कितने इस पे चल रहा है, वो सारे यहाँ पे डिटेल मेरे को बता रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ से चले जाएगा। सो इस तरह से आप आपके डाटा इंडिकेटर को ऑन कर सकते हो आपके रेडमी फ़ोन के अंदर। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको पहले भी बोला था सब्सक्राइब कर देना, लेकिन नहीं किए होंगे तो अभी कर दो। अभी इस वीडियो को एंड करते हैं।